दोस्तों, नए इंडिया में हमने काफी कुछ बदलते हुए देखा है। बात करें इंडियन रेलवेज की तो नए नए माइलस्टोन को हमने छूते हुए देखा है। चाहे वो सबसे ऊंचा चेना ब्रिज हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या फिर कोलकाता का अंडर वाटर मेट्रो, RRTS जैसे कॉरिडोर हो या फिर हर शहर में मेट्रो कनेक्टिविटी हो, फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, इंडियन रेलवेज की रेवोल्यूशन को होते हुए हम देख रहे हैं। अब इसमें ऐड होने जा रहा है एग्जिस्ट स्टेशन को एक नए तरीके से बनाने का प्रोजेक्ट, जिसे कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 500 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को नए तरीके से रीडेवलप्ड किया जाएगा। यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर इन स्टेशन को फिर से सजाया जाएगा। आइए एक नजर में देखते हैं देश भर में कौन कौन से राज्य में कितने स्टेशन को इस परियोजना में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में 18 स्टेशन, आसाम में 32 स्टेशन, बिहार में 49 स्टेशन, छत्तीसगढ़ में 7 स्टेशन, गुजरात में 21 स्टेशन, हरियाणा में 15 स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में 1 स्टेशन, झारखंड में 20 स्टेशन, कर्नाटक में 13 स्टेशन, केरल में 5 स्टेशन, मध्य प्रदेश में 34 स्टेशन, महाराष्ट्र में 44 स्टेशन, मेघालय में 1 स्टेशन, नागालैंड में 1 स्टेशन, ओडिशा में 25 स्टेशन, पंजाब में 22 स्टेशन, राजस्थान में 55 स्टेशन, तमिलनाडु में 18 स्टेशन, तेलंगाना में 21 स्टेशन, त्रिपुरा में 3 स्टेशन, उत्तर प्रदेश में 55 स्टेशन, उत्तराखंड में 3 स्टेशन, वेस्ट बंगाल में 37 स्टेशन, दिल्ली में 3 स्टेशन, चंडीगढ़ में 1 स्टेशन, जम्मू एंड कश्मीर में 3 स्टेशन, पुडुचेरी में 1 स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना में इन सारे स्टेट्स में टोटल 508 स्टेशन को रीडेवलप्ड किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा इंडिया के 3 फाइव स्टार रेलवे स्टेशन को, जिसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन, बेंगलोर रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन शामिल है। इसी राह में अभी देश भर में 508 स्टेशन को रीडेवलप्ड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है इस परियोजना को कंप्लीट करने में। अब रेलवे स्टेशन में भी एयरपोर्ट जैसे टर्मिनल्स को सारे यात्री उपभोग कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।